वीडियो में बात करेंगे जो यूनिवर्सिटी व कॉलेज के जो बीए बीएससी बीकॉम के जो छात्र हैं उनकी परीक्षा से जुड़ी जो बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है उसके बारे में सारी जानकारी ए टू जेड आपको मिलेंगे, किन छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन से सत्र के लिए इंपॉर्टेंट है और किस यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगे। बस आप वीडियो को पूरा देखते रहिएगा जिससे आप लोगों को सही और पूरी जानकारी मिल सके, क्योंकि आप सभी की परीक्षा 2022 में होने वाली है तो आपको पल पल की अपडेट परीक्षा पे जुड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड ही की जाती है तो आप लोग हर वीडियो जरूर देखा करिए और चैनल को यार सब्सक्राइब करके रखिए करिए, ठीक है, जिससे आप लोगों को जब भी मैं कोई अपडेट दूँ जो भी यूनिवर्सिटी से है वो आप तक पहुँच सके, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि एग्जाम भी होने वाले हैं और कोविड का संक्रमण भी बढ़ रहा है तो एग्जाम की जो टाइम टेबल है वो बार बार चेंज होगी और अपडेट टाइम टू टाइम आप तक प्रोवाइड होगी, ठीक है, हम प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए बात करते हैं कौन सी अपडेट है, कौन छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट, सभी छात्र ध्यान से वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप लोगों को सही जानकारी मिल पाएगी, ये याद रखिएगा, ठीक है। सबसे बड़ी अनाउंसमेंट हुई है, मैं आपको बता दूं, लिखा है कि सत्र 2021-22 में तीन प्रकार की होंगी परीक्षाएं कुलपति, यानी यूनिवर्सिटी के जो बीए बीएससी बीकॉम के जो छात्र हैं उनकी तीन प्रकार की परीक्षाएं होंगी। इसके बारे में अधिक जानकारी हम नीचे पढ़ेंगे, ध्यान से वीडियो को देखेंगे। ये जो अनाउंसमेंट हुई वो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं समर्थ महाविद्यालय एवं स्नातक और प्रस्नातक के छात्रों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि गोरखपुर विश्वविद्यालय जो है या फिर यूनिवर्सिटी है उससे संबंधित जितने भी कॉलेज हैं और महाविद्यालय हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं संबंधित महाविद्यालयों में स्नातक और परास्नातक सीबीसी, ठीक है, सीबीसीएस मोड परीक्षा 17 जनवरी से शुरू होने वाली है। मैं आपको बता दूंगा स्नातक और यानी कि बी ए बी एस सी बी कॉम और एम एम एस सी एम कॉम के जो छात्र हैं उनकी जो परीक्षाएं हैं वो 17 जनवरी से तो हैं, याद रखें कि यहाँ पर लिखा 17 जनवरी से, लेकिन जिनकी सी बी सी एस मोड से होने वाली परीक्षा है उन्हीं छात्रों की परीक्षा होंगी। तो मैं आपको बता दूँ सी बी एस मोड क्या है, नया फंडा क्या आ गया है, तो सी बी एस, ठीक है, सी बी सी मोड के बारे में आपको थोड़ी जानकारी देना ये चाहूँगा कि सी बी सी ये यू जी सी के एक नया नियम निकाला है जो कि इसी के बेस पर यूनिवर्सिटी और कॉलेज परीक्षाएँ कराएंगी। हालांकि सभी यूनिवर्सिटी के रूल अलग अलग है, कोई इंप्लीमेंट कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यू जी सी ने लागू कर दिया है। तो जो सी बी एस का फुल फॉर्म जो मैं आपको बता दूँ, इसका फुल फॉर्म होता है चॉइस, ठीक है, चॉइस बेस्ड ग्रेड, ठीक है, क्रेडिट सिस्टम, याद रखिएगा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, यानी कि ये एक ऐसा बेस है जहां पर आप सभी जो आपका जो सब्जेक्ट होता था जिसमें आप लोगों को जैसे आपका पेपर हो गया तो आपको 50 नंबर या 60 नंबर मिले 100 में से या 70 नंबर मिले, लेकिन अब आप लोगों को जो नंबर मिलेंगे वो नंबर नहीं मिलेंगे, आप लोगों को पॉइंट मिलेगा, पॉइंट के अकॉर्डिंग आप लोग होगी, जिनका एग्जाम सी बी एस मोड से होगा उनको पॉइंट मिलेंगे। तो वो क्या सिस्टम है, ये क्या फंडा है, ये आपको अलग एक स्पेशल मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें समझाऊंगा, लेकिन जिन भी छात्रों की सी बी एस मोड से होने वाली परीक्षा 17 जनवरी से उन्हीं को परीक्षा देने जाना है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप लोग जल्द से जल्द अपने यूनिवर्सिटी और कॉलेज से कॉन्टैक्ट कर लीजिए कि सर ये क्या फंडा है, तो आपको वो जानकारी दे देंगे, ठीक है, क्योंकि मैं अभी टाइम मेरे पास है नहीं तो मैं आप लोगों को ये जानकारी नहीं दे सकता हूँ, तो आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी से और कॉन्टैक्ट करिए तो आपको वो पूरी तरह जानकारी देंगे। हालांकि मुझसे कुछ जानकारी छूट सकती है लेकिन वो आपको पूरी जानकारी दे देंगे। तो याद रखिएगा 17 जनवरी से उनकी परीक्षाएं हैं, ठीक है। और यहां पर आप लोग हेडिंग में देख पा रहे होंगे लिखा कि 17 जनवरी से होने वाली स्नातक परास्नातक परीक्षाओं के संबंध में यह बैठक की गई है जिसमें बताया गया, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं थोड़ा। लिखा है कि प्रोफेसर राजेश परीक्षा का प्रारूप और तैयारियों के अंतिम स्वरूप देने के लिए बुधवार को जो इन्होंने एक ऑनलाइन बैठक की है जिसमें प्रोफेसर राजेश सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन स्नातक परास्नातक की परीक्षाओं के लिए तैयार बताया, ठीक है, स्नातक परीक्षाओं के लिए तैयार है। बताया कि सत्र 2021-22 में परीक्षा तीन प्रकार की होंगी, पहली जो परीक्षा होगी वार्षिक परीक्षा होगी, दूसरी होगी सेमेस्टर सिस्टम और सेमेस्टर सिस्टम में और होगी सेमेस्टर सिस्टम प्लस सीबीसीएस यानी कि सीबीएस मोड में एग्जाम होंगे और वार्षिक परीक्षा का आयोजन 10 मार्च, ठीक है, 10 मार्च के बाद होगा, यानी कि जो सेमेस्टर परीक्षाएं हैं वो हो जाएंगी आप लोगों को 17 जनवरी से बताई जा रही हैं और जो आप लोगों को वार्षिक एग्जाम है वो 10 मार्च के बाद होंगे, याद रखिएगा, ठीक है। और लिखा है कि सेमेस्टर में प्रास्नातक बीसीए विधि 4 और वर्षीय और एलएलबी की परीक्षाएं होंगी, स्नातक प्रथम वर्ष में सेमेस्टर, ठीक है, सीबीसीएस मोड में परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा, यानी कि स्नातक में जो प्रथम सेमेस्टर के जो छात्र हैं उनकी जो परीक्षाएं वो सीबीएस मोड में होंगी, वो चाहे बीए हो चाहे बीएससी हो चाहे बीकॉम के हो। तो इसके सीबीएस मोड के बारे में आप लोग यूनिवर्सिटीज कॉन्टैक्ट करके रखिएगा, उन्हीं छात्रों की परीक्षाएं हैं 17 जनवरी 2022 से। तो आई होप आपको अपडेट समझ में आ गई होगी, ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन कोई भी सुझाव है तो कमेंट करके पूछे, हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो पूरा मैं ये अपडेट डाल दूंगा तो आप लोग आराम से पूरी जानकारी पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद।